हे गाइस, सो आज चीकू थोड़ा बेटर फील कर रही है। कल से उसका जो मसाज है, आंटी हमारी आती मसाज वाली, वो करना शुरू कर दिया है उन्होंने। और आज उसे नहलाया भी है। कल नहीं नहलाया था क्योंकि सर्दी जुकाम थी उसको, तो कल नॉर्मल स्पॉन्ज बाथ देके उन्होंने अच्छे से सिकाई करी थी। मैं आपके साथ में उसका रूटीन शेयर करूंगी नहाने का और मालिश का, जिससे आपको हेल्प जरूर मिलेगी। और ये ट्रिक बहुत काम आई, उसका जो कफ था वो एकदम से रिलीज हो गया। साथ में रात में हमने उसे अजवाइन, कपूर और लौंग की सेंक भी दी गरम करके, वो सेंक से भी काफ़ी आराम मिला। और अभी चीकू सो रही है अच्छे से, एंड आई एम फीलिंग सो गुड कि बच्ची अच्छे से है। अभी तक वो ठीक नहीं थी तो मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, कोई ब्लॉग शूट करने का, वीडियो शूट करने का, या फिर एडिट करने का, पोस्ट करने का, कुछ मन नहीं कर रहा था। घर पे सभी लोग बीमार चल रहे थे, अभी भी सब वैसे ही चल रहे हैं। आज तो अनिका को भी फीवर आ गया सुबह सुबह से, तो स्कूल भी नहीं गई। यही सब चल रहा है। चलो अभी छोटी सी अपडेट थी, मैं सोचा ये आपके साथ पे शेयर कर दूँ। सो मेरी नॉर्मल डिलीवरी की स्टोरी वो चैनल पर आ चुकी होगी, तो आई होप आपने देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लो, मिस मत करना। और चलो आई सी यू लेटर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। चीकू इज फीलिंग बेटर बट अनिका की तबीयत हो गई है ख़राब फिर से। अभी जाएंगे हम डॉक्टर के पास। नहीं, अभी उसे बाहर लेके नहीं जा सकते हैं। थोड़े से और बड़े हो जाओगे हाँ, तब इसको लेके जाएंगे, तो जिसको भी लेके जाएंगे। पूरी दुनिया घुमाने के लिए लेके जाएंगे। अरे वाह, अपने पूरी दुनिया घुमाओगे उसको, वेरी नाइस। घुमाना घुमाना नानी नाना का हाउस, नानी नाना का हाउस, बैंगलोर, मुंबई भी, दिल्ली, ये सब जगह जाएंगे। कोची, आप कोची में घूमने जाओगे? बच्चों को ऐसे ही कैसे हक करते, मुझे भी डर लगता है कि मेरे बेबी तो मेरे से लड़ ना जाए। कुछ नहीं होगा उसको, कुछ नहीं होगा बेटा। कि तुम जग रहे हो कि सो रहे हो? सो रही है। अभी भी कई लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, कहीं चलता क्यों हो ना, बताओ सिकाई से क्या क्या होता है। चलो आपका इंटरव्यू चल रहा है। गैस निकल जाती है, जुकाम निकल जाती है, कफ निकल जाता है, बच्चों को अच्छा भी लगता है, मजा आ रहा है कभी। जैसे मसाज पार्लर नहीं, एकदम आराम से रिलैक्स होकर के तेल लगवाते हैं लोग, इनको देखो। सो आज सेकेंड डे है चीकू की मालिश का, इम्प्रूवमेंट आप देख ही रहे हो मालिश से कितने चेंजेस आते हैं। तो चीकू अभी सो गई है, नहा धोकर के कपड़े चेंज करके, आज है 2nd August 2022। चीकू को आ गए हैं बहुत मज़े, आज चीकू के पापा का बर्थडे, चीकू रेडी हो गई हैं। ये देखो, ये ड्रेस पहन करके, लिटिल प्रिंसेस और लिटिल मिस, जो भी था उसका टेक्स्ट। ओके, सॉरी। चीकू ने अपने हाथ से वो निकाल दिया, नजरिया निकालती रहती है, ये छोटे छोटे से हाथ है। Happy birthday! Happy birthday! छोटा सा नहीं, 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 नहीं
थोड़ा सा ऐसे उठा के खिला दो। हाँ ये मैं खिलाऊंगी क्या? ला दीजिए अंडा तो। अनु आपको ये वाला देंगे, ऊपर वाला क्रीम, क्रीम है। हेलो क्रीम का। हैप्पी बर्थडे टू यू एलेक्सा, प्ले हैप्पी बर्थडे सॉन्ग्स। Here's happy birthday by chorus Sandesh yes. Chandelier and traditional. कह रही थी अभी अंदर मम्मी पापा के बर्थडे में किसी को बुलाई नहीं हो। हाय बेबी 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 बेबी, पता है आज आपका फर्स्ट फेस्टिवल था हमारे साथ, अभी तो रात हो गई है। और जो हैप्पी बर्थडे भी था आज पापा का, आज आपके पापा का बर्थडे भी था। ये दीदी दीदी और आपका साथ में फर्स्ट फेस्टिवल था बेबी। कुछ 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 ये देखो, ये क्या प्यार करती है, पूरा रगड़ देती है उसको, घिस देती है। मैं रगड़ देती हूँ। हर आशा मेरी, मेरा वो सपना सलोना है तू। जहाँ एक साइड घर में सब रिकवर हो रहे थे वन बाय वन, वहीं अनिका की तबीयत अचानक फिर से ख़राब हो गई। उसे फीवर भी हो गया, कोल्ड भी हो गया, और वो कुछ भी नहीं खा रही थी। और अभी मॉर्निंग में उसने बोला उसे एप्पल खाना है, तो बस मैं एप्पल लेके बैठी हूँ और उसे खिला रही हूँ, उसके बाद कुछ और काम करूँगी। बस अभी मैं ब्रेकफास्ट लेके बैठी हूँ, मूंग दाल का चीला खा रही हूँ, पानीर स्टफ़ किया, उसमें काफ़ी अच्छा रहता है ये, खाने में लाइट रहता है और हेल्दी भी रहता है। इसके साथ चाय ली है, अगेन वही काढ़े वाली चाय है मेरी, तो ये ले रही हूँ। घर में सभी लोगों की तबीयत में काफ़ी सुधार है, चीकू भी पहले से बेटर फील कर रही है, पर कफ बहुत ज़्यादा हो रहा है उसे, और वहीं अनिका की तबीयत और भी ख़राब हो गई है। तो ऐसे में दोनों बच्चों को एक साथ मैनेज करना और खुद की हालत भी ऐसी नहीं है कि कर पाऊँ, काफ़ी एग्जॉस्ट फील हो रहा है मुझे आजकल, और सब कुछ पूरा मैसी हो रहा है इस समय। तो अगर आप अकेले हैं और सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, न्यू मॉम है, तो प्लीज़ कुछ दिन बाकी सारे काम को भूल चाहिए। हम लेडीज को हमेशा ही टेंशन रहती है, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, और जब तक घर के सारे काम अच्छे से नहीं हो जाते, सब चीजें अपनी जगह पे पहुंच नहीं जाती, हमें बड़ी टेंशन रहती है। लेकिन मैं आपको कहूंगी, अगर आप नई मॉम है, अभी अभी आप मां बनी, अकेली हैं, तो प्लीज कुछ दिन आप सारे काम को भूल जाइए। घर के जो फर्स्ट 45 डेज होते हैं ना, ये हर मदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपको इस दौरान अपना और अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर थोड़ी भी तबीयत खराब होती है तो बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना फेस करना पड़ता है मदर्स को। आज लंच में बना है लौकी की सब्जी है, खड़े मूंग की दाल है, रोटी है और राइस। ये चीज़ आज मैं खा रही हूँ। खड़े मूंग की दाल मैं हर दूसरे या तीसरे दिन खाती ही हूँ, क्योंकि नॉर्मल मूंग की दाल की जगह जो खड़े मूंग की दाल होती है, इसमें फाइबर ज़्यादा होता है, छिलका होता है, और ये काफ़ी फायदेमंद भी होती है। इस टाइम अगेन हमने फर्स्ट क्राई से और अमेजोन से कुछ शॉपिंग करी है, न्यूमॉर्न शॉपिंग है, इसमें क्लोथ्स एक्सेसरीज तो बहुत कुछ है, तो अभी हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। एनएस बीच कई सारे स्पेशल ओकेजन है, सेलिब्रेशन है अनिका और अनविका के, जो हमें करने, इसलिए हमने कई सारे शॉपिंग करी है। और ये जो शॉपिंग हॉल है, ये आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, क्योंकि व्लॉग थोड़े लेट चल रहे हैं। 17 बॉक्सेस और इसमें अनिका के लिए भी स्टफ है और yes. चीकू के लिए भी स्टफ है, मम्मा के लिए भी। yes! बोलो, इसकी नाक मेरी तरह लगती है कि नहीं? आईब्रोज डार्क हो गई है मेरी तरह। नाक नहीं लगती है चीकू मेरी तरह? मम्मा की तरह नाक नहीं लगती है क्या? आईब्रोज तो बिल्कुल मेरी तरह है, एकदम सीधी सीधी, चिपकी चिपकी।
आज मेरी डिलीवरी और चीकू के बर्थ को हो चुके हैं डे 40 यानी 40 दिन कंप्लीट हो गए हैं। और अभी तक की 40 दिन की जर्नी बड़ी ही अजीबोगरीब रही, डिफरेंट तरीके की। फिलहाल यहाँ पर मैं चीकू को जो अजवाइन की सेक मैंने आपको बताई थी कफ के लिए, वो सिकाई कर रही हूँ। मैंने पोटली बनाई थी, आपको बताया था कि कैसे बनाना है लास्ट वाले ब्लॉग में, आप देख सकते हैं। तो वही सिकाई मैं कर रही हूँ यहाँ चीकू को। पीछे पूरी तरीके से करना है, बैक पर और चेस्ट पर करना है अच्छे से, बच्चे की बॉडी के दोनों साइड पर करना है। और आँच बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सहने लायक गर्मी होनी चाहिए। तो पहले कपड़े के ऊपर से करते हैं, फिर जब नॉर्मल हो जाता है थोड़ा सा इसका गर्माहट, तो उसके बाद कपड़े को खोल करके अंदर की तरफ से भी करते हैं, जिससे कि बच्चे को अच्छी गर्माहट मिल जाती है और उसे बहुत आराम मिलता है। सो गाइज, डिलीवरी के बाद सेल्फ केयर, स्किन पैम्परिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये सिर्फ आपकी बॉडी को रिलैक्स नहीं करती है, इनफैक्ट आपको मेंटली बहुत रिलैक्स फील कराती है, बहुत ही पीसफुल फील कराती है। ऑल्दो डिलीवरी के बाद हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है कि हम अपनी केयर कर पाएं, अपने लिए कुछ सोच पाएं, अपने लिए कुछ कर पाएं, लेकिन थोड़ा सा टाइम हमें निकालना चाहिए, क्योंकि अगर हम टाइम अपने लिए नहीं निकालेंगे तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं बट पोस्टमार्टम डिप्रेशन में चले ही जाएंगे, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं होता है हमारी हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए एंड हेल्थ के लिए भी। सो अभी नायका की पिंक फ्राइडे सेल से मैंने परचेज किए हैं कुछ स्टफ अपने लिए, अपनी स्किन की पैम्परिंग के लिए, अपने स्किन के केयर के लिए। मैं दिखाने वाली हूँ आपको ये सारे स्टफ। सो ये सब चीजें मैंने परचेज करी हैं। नाउ फर्स्ट मैंने जो परचेज किया है दैट इज फेस स्क्रब, उपटन फेस स्क्रब है और उपटन फेस वॉश है, मामाअर्थ ब्रांड का। ये दोनों ही बहुत अमेजिंग सी चीज़ें हैं। ये प्रेगनेंसी के टाइम पर भी मैं यूज़ कर रही थी, स्पेशली इसका फेस वॉश मुझे बहुत अच्छा लगा। फेस स्क्रब भी मैंने यूज़ किया है बट मैं फेस वॉश ही यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। इसमें भी स्क्रब पार्टिकल्स होते हैं, तो मेरा स्क्रब एंड फेस वॉश दोनों का काम कर देता है, बिल्कुल नेचुरल फील कराता है। बट स्टिल ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अमेजिंग है, तो आप इसे परचेज कर सकते हो। अभी पोस्ट डिलीवरी भी यूज़ करो, आपको बहुत आराम मिलेगा, बहुत रिलैक्स फील होगा। ऑल्सो मैंने इसके साथ परचेज किया उपटन फेस मास्क भी, मामाअर्थ का। दिस इज वेरी गुड फेस मास्क। ये मैंने अभी तक यूज नहीं किया बट क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड पे बेस्ड है ये वाला फेस मास्क भी, जो कि हम बेसन का उपटन लगाते थे, हल्दी बेसन केसर दूध वाला, तो वो सेम चीज आपको इस वाले फेस मास्क में मिल जाती है। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। और मुझे ऐसा लगता है ये तीनों कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कराने वाले हैं, बहुत क्विक भी होते हैं, बनाने का झंझट नहीं है, मिक्स करने का झंझट नहीं है, डायरेक्टली निकालो लगाओ और छुटाओ वाली चीज हो जाती है, तो आप ट्राई कर सकते हो। सो इसके बाद नेक्स्ट मैंने लिया है शार जेल फ्रॉम द ब्रांड प्लम, और ये वाला शार जेल है मैंने लिया है बॉडी लव इन ऑर्किडो नॉट फ्रेग्रेंस में। इसका मैंने परफ्यूम यूज किया हुआ है सेम फ्रेग्रेंस का, बहुत अमेजिंग था, बहुत ही रिलैक्सिंग स्मेल थी, इसलिए मैंने का शार जेल भी परचेज किया। और बिलीव मी मैंने इसे एक बार ही यूज किया है, इतना सही फील कराता है ना, मतलब एकदम से जो टायर्डनेस होती है ना माइंड में वो रिमूव हो जाती है। एक शावर आपने इसके साथ में लिया, वैसे भी डिलीवरी के बाद हम फ्रिक्वेंट शावर तो ले नहीं पाते, जल्दी जल्दी नहीं नहा पाते, और जल्दी जल्दी नहाना भी नहीं चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी क्या कहते हैं वो हील हो रही होती है, स्पेशली अगर आपका सी सेक्शन है या फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, दोनों ही तरीके से आपकी बॉडी हील हो रही होती है, तो जल्दी जल्दी नहाना सही नहीं होता है। आप बाहर से क्लीन कर सकते हो बट जब भी आप शावर लो ना, तो एक ऐसा अच्छा शार जेल यूज करो जो कि आपको इंस्टेंटली रिलैक्स फील कराए, तो ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा और आप ये वाला ट्राई कर सकती हैं। इसके बाद मैंने परचेज किया है काजल है नायका का, रॉक द लाइन काजल। काजल लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो ना हर समय चेहरा डल डल सा बुझा बुझा सा लगता है डिलीवरी के बाद में, ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया है हमारे साथ में, और खुद के लिए अच्छा दिखना भी जरूरी होता है, तो आप ज्यादा कुछ नहीं करो अपनी स्किन पर बट एक सिंगल सी लेयर काजल की लगा लो ना, तो इतनी फ्रेशनेस आ जाती है चेहरे पर, इतना फ्रेश लुक आ जाता है, इंस्टेंटली आपका पूरा चेहरा मतलब बदल जाएगा, ऐसा लगेगा ही नहीं कि बुझा बुझा सा चेहरा था कहीं पे और इतना अच्छा हो गया अभी, तो मैंने इसलिए काजल परचेज किया। मैं इसे यूज कर रही हूँ, आप देख सकते हो कि मैं इसे एज आई लाइनर भी लगाती हूँ और काजल भी अप्लाई करती हूँ। एक और काजल मैंने लिया है के ब्यूटी से, तो ये वाला काजल भी अच्छा है, मैंने अभी तक यूज नहीं किया इसे, एक दो बार चीकू को यहाँ माथे वाथे पे मैंने लगाया था ये काजल निकाल करके, तो डार्क तो है और स्मच फ्री भी है। लास्ट थिंग इज मैंने लिया है के से, ये के ब्यूटी से मैट कॉम्पैक्ट लिया है ये वाला, पहली बार ट्राई कर रही हूँ। 110 लाइट है मेरा शेड इसमें, पैकेजिंग बहुत प्यारी है, मतलब एकदम लग्जरी लुक आ जाता है, लग्जरी पैकेजिंग है इसकी, आप देखो यहाँ पे तो इतना
प्रीमियम साइट पर है ये वाला, क्या गिर गया पता नहीं, तो प्रीमियम साइट पर है ये वाला जो कॉम्पैक्ट है, और इसकी जो पैकेजिंग है बहुत ही स्लीक है यार, मतलब कहीं पर भी फिट हो जाएगी। तो ये मैंने लिया है और मुझे कॉम्पैक्ट यूज़ करना बहुत पसंद है। मैं ज़्यादा कुछ तो अप्लाई करती नहीं हूँ, हल्का सा कॉम्पैक्ट लगा लेती हूँ अगर थोड़ा कहीं बाहर बाहर जाना होता है। अभी ये मानसून का टाइम है, बहुत चिपचिप हो जाती है, बहुत क्रीम वीम लगा करके बाहर आप निकल नहीं सकते हो, तो अच्छा कॉम्पैक्ट परचेज करो, एक लेयर करो फेस पे और उसके बाद निकल जाओ बाहर। अब के कॉस्मेटिक्स पे सेल भी थी और ऑफ भी था, तो मुझे डिस्काउंट के साथ साथ फ्री गिफ्ट मिला है ये, और एक और फ्री गिफ्ट मिला है बॉडी शावर ही है प्लम का। ये दो मुझे फ्री गिफ्ट मिले थे जो मैंने सेलेक्ट किया है ऑप्शन में से। एक है के ब्यूटी का मैटनी लिप क्रियोन जो कि डार्क द आफ्टर पार्टी शेड है इसका, एंड द अदर वन इज शारजल हवाइयन रूम्बा का मिनी पैकेजिंग है, ट्रैवल फ्रेंडली है ये वाली बॉटल, ट्रैवलिंग के टाइम पे मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। और ये वाला जो लिप क्रियोन है ये बहुत सही है, ये अभी पैक है, अब मैं इसे खुद यूज़ करूँगी या फिर मम्मी को दे दूँगी पता नहीं, बट आई एम लविंग इट। ऑल्सो इसके साथ में मैंने परचेज किया एक लिप कलर भी फ्रॉम द ब्रांड मैक, इससे मैंने लिया है ये लिप कलर, फुल साइज में है ये लिपस्टिक और कलर बहुत प्यारा है। एंड नायका से तो मैंने, मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट एक पूरा साल हो गया होगा कि मैंने कुछ मेकअप का प्रोडक्ट परचेज किया है, ये प्रेगनेंसी के दौरान तो मैंने कुछ भी नहीं लिया। सो ये है लिपस्टिक, बुलेट लिपस्टिक है, इसका शेड बिल्कुल न्यूड है, नॉर्मल न्यूड कलर है, मुझे बहुत पसंद आया ये वाला शेड। मैं आपको दिखाती हूँ ये देखो ये शेड है इसका, और ये ऑलमोस्ट ये लिपस्टिक से मैचिंग है। नहीं, मैंने लिप ये मैंने लगाया है लिप ग्लॉस जो कि मेबलिन का है, और ये लिपस्टिक है मैक की। सो ये दोनों ही कलर मुझे अच्छे लगते हैं, ये वाला कलर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये मैं घर पे भी लगा सकती हूँ, बाहर भी लगा के जा सकती हूँ, और मैट भी है, क्रीमी क्रीमी मैट फॉर्मूला है। और इसके साथ में मुझे मिला है ये फ्री गिफ्ट भी जो कि है स्ट्रोक क्रीम, मिनी स्ट्रोक क्रीम है, तो ये भी मैं ट्रैवलिंग के टाइम पर यूज़ कर सकती हूँ। छोटी सी ट्यूब मिली है, मुझे बहुत अच्छी लगी है, मेरा फेवरेट भी है, मेरे पास इसकी बड़ी पैक भी है जो कि मैं यूज़ कर ही रही हूँ, बट ये ट्रैवलिंग के टाइम पे बहुत सही रहेगी। सो अभी मैं बहुत खुश हूँ, काफ़ी टाइम के बाद मैंने ये सारी शॉपिंग करी है। और अगर आप इसमें से कुछ परचेज करना चाहते हो तो उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन चेक देम आउट। और चलो फिर व्लॉग में आगे बढ़ते और दिखाती हूँ मैं आपको कुछ और। तो इस साल मेरा भाई यहीं है मेरे पास में, तो मैं राखी नहीं भेज रही हूँ उसको, और मैंने FNP से राखी यहीं पर ऑर्डर कर दी, जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था और जाने की हालत भी नहीं थी, घर बैठे ही राखी घर पे आ गई, प्रीमियम राखी आई और बहुत कुछ आया राखी के साथ, ये देख। अब आप पूछोगे कि ब्रेस्ट पंप में कौन से ब्रांड का यूज़ करती हूँ, तो मैं फिलिप्स एवेंट का मैनुअल पंप यूज़ कर रही हूँ और लवलब ब्रांड का इलेक्ट्रिक जो ब्रेस्ट पंप है वो यूज़ कर रही हूँ, और इसका रिव्यू भी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है।